Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Myself Anu Supal from Property Services Real Estate. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपनी वीडियोस के अंदर आपको कोयटा के बारे में अपडेट करता रहता हूँ, कोयटा की करंट मार्केट के बारे में, आने वाले वक्त में कोयटा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो हम आज सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइल्स के रेट के ऊपर, किस टाइम फाइल्स की और जो कोयटा के अंदर प्लॉट्स हैं उनके रेट्स चल रहे हैं। तो आज जो एफिडेविट का रेट है वो 1 करोड़ माइनस में आया हुआ है। इस टाइम मार्केट के अंदर वो 98-97 मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अगर इसके साथ हम लोग एलोकेशन की बात कर ली जाए, एलोकेशन के अंदर मार्केट में डिमांड की जा रही है इस टाइम एलोकेशन फाइल की, जो ओल्ड है न्यू दोनों की सेम डिमांड की जा रही है, 112 डिमांड की जा रही है। मगर मार्केट के अंदर इसके ऊपर ट्रेड जो भी हुई है आज की डेट के अंदर, कल की डेट के अंदर, अभी तक 109 के अंदर मार्केट के अंदर इसमें ट्रेड हो रही है। और जो मैं आपको ये रेट्स अपडेट कर रहा हूँ, आज डेट है 13th of May 2022। तो अब बात कर लीजिए एलोकेशन की, मैंने आपसे डिस्कशन कर ली कि एलोकेशन का इस टाइम मार्केट के अंदर 109 पे ट्रेड हो रही है। और अगर बात कर लीजिए अर्ली बर्ड प्लॉट की, इस टाइम मार्केट जो है 220 से लेकर 250 के बीच में अर्ली बर्ड के प्लॉट की कीमतें हैं, मगर इस टाइम मार्केट में अर्ली बर्ड की कोई ट्रेड नहीं हो रही। और जो इस टाइम मार्केट के अंदर 5 मरला इंस्टॉलमेंट फाइल है वो इस टाइम मार्केट के अंदर 97-98 में ट्रेड हो रही है। डिमांड इसकी हम लोग कर सकते हैं 5 मरला की 40 लाख रुपये, मगर मार्केट में इस टाइम जो है ट्रेड ये 97-98 पे मार्केट में 5 मरला फाइल जो है ट्रेड हो रही है। और जो 8 मरला फाइल है वो इस टाइम मार्केट के अंदर 40-41 पे मार्केट में ट्रेड हो रही है, 45 आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए 5 मरला जो मार्केटिंग प्लॉट की बैलेट हुआ है उसकी बात कर ली जाए, तो इस टाइम मार्केट के अंदर 55 से लेके 85 के बीच में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो इसके साथ हम अब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कोयटा DHA पे कि इस टाइम मार्केट कहाँ पे स्टैंड करी है, आने वाले वक्त में मार्केट कहाँ पे स्टैंड करेगी। तो मेरा इसके अंदर मानना यह है कि अभी जिन लोगों के पास फाइल्स भरी हुई है, ओल्ड एलोकेशन भरी हुई है, जिन्होंने इसके अंदर से फाइल्स में से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया हुआ है, एक अच्छी उसके ऊपर मतलब प्राइस के ऊपर जिनकी बाइंग है, उनको चाहिए कि इस वक्त मार्केट के अंदर ये फाइल्स निकाल दें, क्योंकि इस टाइम मार्केट का रेट चल रहा है 110-109 मार्केट का रेट चल रहा है। और ये मैक्स भी रेट किया मेरी नज़र में तो ये 125-130 से ऊपर ये रेट नहीं जाएगा। उसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस पड़ने के बाद बैलेट के करीब इसका अगर रेट जाता है अपना 70-80 पे, तो उस टाइम मार्केट के अंदर बायर कोई नहीं होगा। तो इस टाइम जो है ये बेहतरीन टाइम है, अगर आपके पास फाइल्स हैं अपनी तो इसको मार्केट के अंदर 1-20 से पहले मार्केट में निकाल दिया जाए, क्योंकि इस टाइम मार्केट के अंदर बायर मौजूद है। मार्केट में लोग इस चीज को मतलब बायर जो है अपना परचेस कर रहे हैं एलोकेशन, ये 15-20 से ऊपर मार्केट की तो इसकी बाइंग कम हो जाएगी, इसकी बाइंग जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेरे नजदीक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जिनकी अच्छी अमाउंट अच्छी जो प्राइस के ऊपर जिन्होंने बाइंग की हुई है 80 के अंदर, 78 के अंदर, 90 के अंदर, तो वो उसके अंदर से अपना प्रॉफिट गेन अपना जो प्रॉफिट कमाया है उसको निकालें और इस मार्केट से बाहर निकलें और कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस मार्केट के अंदर अभी आगे इतना स्कोप नहीं है। जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करके जूस निकालना था उसको मतलब एक हेल्दी अमाउंट जिन्होंने अपना प्रॉफिट बनाया वो बना चुके हैं, अब इस मार्केट के अंदर इतना बूम नहीं है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए, अगर अभी बात करें कि अक्टूबर एंड ऑफ दिस ईयर जो है इसका बैलेट आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आप देखें बैलेट आ भी जाता है तो इस टाइम कोयटा के अंदर जो अर्ली बर्ड के प्लॉट है उसकी सेल परचेज कोई भी नहीं हुई और ये इसके रेट और गिरेंगे, ये 180-170 पे आके अर्ली बर्ड का रेट स्टैंड करेगा। जब तक इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं होती, वहाँ पर कोई मतलब नक्शा नहीं निकलता इसका, वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं होते, तो अब तक इसका रेट जो है मार्केट टूटी रहेगी इसकी। तो एलोकेशन अगर जाती है, एलोकेशन का बैलेट के ऊपर जाती है, 170 आप लगाने 170 पे जाती है, तो उस टाइम इसका बायर मार्केट में मौजूद नहीं होगा। और अगर वहां पे हम डिस्कस कर ले जाएंगे कोयटा DHA के अंदर इस टाइम जो है जो लोकेशन है और लोकेशन या DHA बना है वहां पे इनको क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं। DHA ऑब्वियस एक ब्रांड है, उन मसलों को हल करेगा, मगर आपको पता है कोयटा के अंदर एक सबसे बड़ा इशू पानी का है, और जहाँ पे इस टाइम DHA एग्जिस्ट करता है वहां पे जो है पानी की बहुत कमी, और जो वहाँ पानी मौजूद है वो बहुत कड़वा पानी है, और इसके अलावा जो मिट्टी है वहाँ पे वो नरम मिट्टी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूँ। और अगर इसके अलावा आपको कोयटा DHA में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी कोई क्यूरी है, आपने अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, कोई चीज़ आपने परचेज करनी है, आपको मेरा नंबर जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मेरे से इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जो है और वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।